हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग गाइड शिवांश भसीन के अंदर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 1 जून 2019 को अब हमें कौन से ट्रेड्स लेने चाहिए, किस तरीके से हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि नया साल आ चुका है, 2019 आ चुका है गाइस, और कल 1 जून है। तो हम पहले ही दिन से अब जो हमारा साल है उसे अच्छे तरीके से करेंगे, रेगुलर स्मॉल प्रॉफिट्स के साथ ही वर्क करेंगे, और हर दिन हमें लॉस नहीं चाहिए, हम ट्रेड्स नहीं लेंगे, पर हम मिनिमम प्रॉफिट विद नो ट्रेड्स के साथ काम करते करते चलेंगे। सो गाइज, हम हमारा जो ये साल है वो बहुत अच्छा जाएगा। सो गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये 5 स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, GSFC, DBL, मैकडोवल्स और वीगार्ड, ये 5 स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए है। टेक महिंद्रा सेल करने की सलाह 715-709 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 731 का मेंटेन करना होगा। GSFC बाय करने की सलाह 119-121 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 112.70 का मेंटेन करना पड़ेगा। डिलीप बिल्डकॉन सेल करने की सलाह 413-408 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 423 का मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। मैकडॉवल्स शॉर्ट करने की सलाह 631-627 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 644। वीगार्ड शॉर्ट करने की सलाह 225-221 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 232 का आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। सो गाइस, आप जिस तरीके से देख सकते हैं 5 स्टॉक में सिर्फ एक ही बाय साइड में है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट का कल ट्रेंड किस तरफ रह सकता है। यस गाइस, कल मार्केट का ट्रेंड शायद नेगेटिव की साइड रह सकता है। चार्ट्स में ऐसे क्या रीजंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से चार्ट्स में हमें बहुत अच्छी तरीके का एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, जो मार्केट को वो क्रॉस करने नहीं दे रहा है, और वहां से हम एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। सो गाइज, वो अब चार्ट में अभी आपको लेकर चलता हूँ। जिस तरीके से देखा था 31 दिसंबर है आज, सो गाइज वॉल्यूम मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, नल के बराबर हमने देखा था कि वॉल्यूम था, और जिस तरीके से जो निफ्टी की मूवमेंट हो रही थी ऊपर 15 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद नीचे, फिर 15 मिनट बाद ऊपर, सो गाइज उसकी वजह से जो स्टॉक्स में जो फ्लक्चुएशन थी और जो उनकी पोजीशंस थी, वो लोग भी अपनी शिफ्ट करे जा रहे थे नया साल जो आने वाला है उसकी तरफ से। सो गाइज, जिस तरीके से हमने देखा था कि जो मार्केट के साथ जो वॉलेटाइल था, स्टॉक्स भी वॉलेटाइल थे, साथ में जो ये भी वॉलेटाइल थे हमारे स्टॉक्स। अब हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं किस तरीके से चार्ट में हमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस और कहाँ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने 31 दिसंबर के लिए आपके लिए जो चार्ट ओपन करा हुआ है निफ्टी 50 का, आप देख सकते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस कैंडल जो दिखाई थी, वो मैंने आपको कहा था कि हमें 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और जो इसके ऊपर सपोर्ट आता है 10-15-20 पॉइंट्स का, वो आता है 10,913 का लेवल गाइस। और आपने देखा होगा कि आज जो मार्केट थी वो गैप अप खुली थी, पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं थे, नेगेटिव साइड में थे, और आखिरी में जाके इसने 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे जाके वापस क्लोजिंग दे दी। अब हम कैसे पता लगाएं इस कैंडल से कि रेजिस्टेंस कहाँ था, तो गाइज अब इसमें हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां जाके देखेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं 15% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लाइन है ये, और आप देख सकते हैं ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा था, प्रीवियस डे भी ये इसका रेजिस्टेंस था जैसे वो क्रॉस नहीं कर पाया, आज भी इसने गैप अप से क्लोजिंग दी है, ऊपर की तरफ गैप अप से खुला पर दोबारा नीचे आ गया। गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मार्केट इतना वोलेटाइल था कि थोड़े टाइम ऊपर 40 रुपये नीचे, थोड़े टाइम नीचे 40 रुपये नीचे, और आखिरी में जाके आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, जो 50% का जो मूविंग एवरेज है, जो 50 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा था, पर गाइस क्लोजिंग बेसिस में आज मार्केट इसके नीचे बंद हुआ है। तो जो अब हम एक्सपेक्टेड टारगेट रख सकते हैं निफ्टी के अंदर, शॉर्ट रख सकते हैं, वो रख सकते हैं अराउंड 10,795। अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी में भी सेम था, इसका जो 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट था उसके ऊपर मार्केट होल्ड नहीं कर पा रही है, और आज भी हमने इसके नीचे क्लोजिंग देखी, आप देख सकते हैं जगह जैसे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी इसका सेम पोजीशन थी, किस तरीके से मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी कि इनडिसाइसिव कैंडल्स ही कैंडल्स बनी जा रही थी, कोई भी वॉल्यूम्स नहीं थे, इसकी वजह से जो इन इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स थे वो भी इतनी तरीके से वॉलेटाइल हो जा रहे थे। सो गाइज आप देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी इसके ऊपर नहीं निकल पाया, आज भी गैप अप ओपनिंग हुई उसके बाद वापस उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था, पर गाइज ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी क्लोजिंग नहीं दी है, तो इससे हमें एक अप मूव देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए, हर दिन मैं आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेकर आते रहूंगा,
कुछ टाइम ऐसा मार्केट में आता है जिस टाइम हम प्रॉफिट या हमारे चार्ट्स जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए इनडिसाइसिव हो जाते हैं, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और गाइस जो मैं आपको स्टॉक सजेस्ट करता हूँ और जो मैं आपको जो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में सजेस्ट करता हूँ बाय या सेल साइड में, उसके बाद मुझे नहीं पता होता कि यूएस मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, कोई ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव मार्केट में न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमारा जो है वो उल्टा पड़ जाए। सो गाइस आपको मार्केट खुलने से पहले वॉच जरूर करना पड़ेगा, अपनी तरफ से भी आपको कुछ स्टडीज करनी पड़ेंगी तो भी आप जाके प्रोफेशनल होंगे। सो गाइस अगर आपको मेरे साथ बने रहना है, अगर आपको मेरे ट्रेड्स चाहिए, सो गाइस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।